मानना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी की बेवकूफ है वो लड़की। कौन? अमृता। सही कह रहे हो, अच्छा खासा भाई ने पास रख के अपने जाल में। भाई शादी के सपने दिखा के सही ना चाह रहे हैं उसको, पूरे पूरे दिन दोनों फोन पे चिपके रहते हैं। हो गया? और भेजे कैसे? पर ये नंबर है किसका? थारे जीजू का। चली गई। अरे भाई गणा चला अक्सर, और उसकी माँ कौन सा कम है, ये पता क्या करेगा, ये शादी तो कर लेगा, उसके बाद दो चार दिन में छोरी ससुराल में पार्सल। अरे लिखवाने मेरे थे क्यों है, अगर किस्मत थी वही तो है, हमें छोकरी देखने को नहीं मिलती, और इसने देख लो शादी का लड्डू खा के उल्टेगा ही। ये लोग जरूर किसी और की बात करे होंगे, इनका हमारी चीची से क्या वास्ता। अबे बुधवा अपना भाई भी ना बातों में एकदम चीखना चुप रहा है, ऊपर से वो अमृता और उसकी फैमिली है, इतने बोले इतने बोले, अरे उनको तो पता ही नहीं चलेगा अपने भाई ने और उसकी माँ ने एक गेम प्लान कर रखा है। ना मारे जीजे तो बहुत अच्छे से, क्यों पता ना किसकी बात कर रहे से। चल बच्चे बाहर। जीजू ने अचानक फोन क्यों काट दिया? मरने तो लग रहा था जीजू के साथ कोई और भी से, तभी उन्होंने फोन बंद कर दिया। हे भगवान, क्या ये लोग सच्ची में मारी है जीजू के बारे में बात कर रहे थे? गाली मौसी, गाली मौसी, छोरी वाले आ गए, गाली मौसी, छोरी वाले आ गए। आइए राम राम जी। राम राम जी। ये मारे छोरे की मासी से, और ये मारी छोरी की मासी से बेबी। लो जी आ गया मौसम चेरची की बर्बादी का। लग रही हो? कौन तू? कौन से भैया चोरी? कौन किसे धोखा दे रहा से? कौन किसने धोखा दे रहा है? अरे ये लड़की तो अपनी बातें सुन रही थी। ये चोरी तो अपनी बातें सुन रही थी। दुर्गा तो चली गई, मैं उससे मिल भी ना पाया। रजिस्ट्रेशन पेपर की मदद से जान पाऊंगा कि वो कहां से। दुर्गा यही हो? ए लड़की, ए रुक, अरे रुक जा, ए रुक, पकड़ो उसे, अरे भाग रही है वो। ए लड़की रुक जा, रुक जा, ए आपकी आवाज है ना जी, दिल में जैसे शक्कर से घुल गई। तेरे बिना मेरा मन बहुत जोर की कह रहा था कि वो लोग मारी चीजे के बारे में बात कर रहे थे, ना तो ऐसी अनजान जगह पर मैंने मारी चीजे का नाम कैसे सुनाई देता। मैंने जल्दी पहुंच कर ये सब रोकना होगा। दुलारी जी किस चारे से हो? आ जाओ हमारे साथ भी दो घड़ी बैठो, आ जाओ। अरे सुभद्रा जी मैंने कुछ काम है कमरे में, बस वो करके आती हूँ। क्यों परांदी, क्यों अब तक है तुम्हारे पास? क्यों झुमकी, क्यों तो हमने मेले में ली थी तुमने याद से, और जब मैंने कही थी कि मन्ने दे दे पैरने के लिए तो तुमने क्या कहा था, खो गई, झूठी कहीं की। शीलू तूने जो मारे छोरे के लिए किया है ना उसका एहसान तो मैं कभी ना चुका सकूं।
और ये जो हमारी बचपन की यादें हैं, इन्हें तू अपने पास रख ले हमारी तरफ से। सच्ची? हाँ। दुल्लू, तूने ये सारी चीजें दिखा के ना पुरानी यादें ताजा कर दी। रे दुल्लू, तूने अपनी माँ को तो बता दिया ना कि हमारी दोस्ती के बारे में किसी से कुछ ना बताए। अरे मेरी माँ अपनी आंखों से अगर पहचान जाए कि तू वही शीलू है, तब तो वो जाके कुछ बोलेगी। है क्यों? रंग भी साफ दिख जाए उसको तो बहुत बड़ी बात है। मारी माँ की नजर बैठ गई पूरी। हाँ। रिश्तेदार? अब पिछले बान बयाने में तो मैंने किसी रिश्तेदार को ना बुलाया, तो सबको यही लगे है कि ऋषि की शादी होगी अमृता से। इस शादी वाले दिन यशपाल और इन सबको एक साथ झटका देने वाली हूँ मैं। हाय, मजा आ गया। तो मैं सोच रही हूँ, जब यो सुन के मन ने इतना मजा आ रहा है, तो जब पूरे गांव के सामने जेठ जी की नाक कटेगी तो कितना मजा आएगा। आई एम तो बेकार में बदनाम तू। बात तो सही है शीलू, मैं सोच रही थी कि इच्छा पूर्ति मंदिर में अगर तू उस दिन मुझे अचानक ना मिली होती तो हमारे छोरे ऋषि का क्या होता। हमारा एक ही छोरा है, उसकी शादी का सोच के मैंने पंडित को उसकी कुंडली दिखाई, तो पंडित बोले कि उसकी कुंडली में डेढ़ शादी का दोष है। डेढ़ शादी? तो डेढ़ शादी क्या हुए से? डेढ़ शादी के दोष का मतलब मेरे से? अरे पहली शादी तो उसकी मंडप में टूट जाएगी, अब फिर जब दूसरी होगी तब जाके सब कुछ ठीक होगा। बहन, उस दिन इच्छा पूर्ति मंदिर में हनुमान जी ने थारी ना मारी भी मनोकामना पूरी कर दी थी। मैं तो कब से जेठ जी ने कर्जे के चक्कर में फंसा के घर का बंटवारा करना चाहूं थी, इब थारे बाने मारी भी साणों की बड़ास निकल जाएगी। है के ना? बिल्कुल सही। पर यो मारे पति से ना ब्राता भक्त यो ना मारे काबू आते, जे वास्ते मन्ने पूरी बात ना बताई। सच कहूं सो इसमें भाई साहब से छुपाने वाली के बात से। वैसे भी दुलारी जो है वो थारे बचपन किसे लिए है? अरस का छोरा तू बता रही है कि कचहरी में काम करे है, बढ़िया पैसा वैसा बना लिया करे। हाँ जी। तो फिर ठीक ही है फिर तो सब। ये तो आप समझो ना, क्योंकि आप मारे पे प्यार करो, पर घर में तो आए बदनाम सू, पढ़ी लिखी ना सुना, जेठ जी मारी समझ पे भरोसा को नहीं करते। पर आप ही सोचो ना क्या फर्क पड़े ना बताने से, छोरी का घर तो बस जावेगा। बात तो थारी सही से। बहुत बढ़िया है दादी, ये बात तो थारी लाइफ सेट हो जानी क्या है? ये छोरी की दादी से और मैं छोरी की बुआ सु। हुआ? ये हुआ। हुआ नहीं, हुआ हुआ। अच्छा अच्छा, तो बुआ से मैं छोरी की नानी सु। ये तो आपने करना बढ़िया काम किया, जो टेम निकाल करके फैमिली फंक्शन में आ गए। दफ्तर का काम दफ्तर में रहने दो और घर का काम कर। सुभद्रा भी यही शिकायत लगा रही थी कि दफ्तर का काम घर पे ले आते हैं और फोन पे लगे रहते हैं। काम भी तो करना पड़ है। दुलारी जी, पान बियाने की रस्म शुरू की जाए। जी पंडित जी। भाई साहब, आरती शुरू करें? दुलारी जी, बस थोड़ी देर रुक जाओ जी। अब एक काम करता हूँ, वो अपने दोस्त की माता जी के घर में पढ़ने गई हुई है, तो फोन करके पूछ लेता हूँ। अभी आता है। स्कूल का नाम भी ठीक से नहीं लिखा है। हाँ, ये नंबर सही है।
हेलो हेलो हाँ जी हाँ हेलो हेलो हाँ जी मैं बोल रहा हूँ जी। हाँ हाँ भाई साहब। अरे मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो कोई सुन रहा है? हेलो हेलो फोन उठा के कोई बात नहीं कर रहा। फिर से एक बार मैंने उसे चला दिया। घर पहुंच गए आप? हाँ भाई साहब मैं घर पहुंच गई हूँ। हाँ देख कर बताती हूँ, आप लाइन पे बने रहो। हाँ जी हाँ जी। अच्छा भाई साहब भागवत दुर्गा कित गई? दिखाई ना पड़ रही। आंटी वो आपके सामने ही तो गई। हाँ गई बैठ गई, मैंने तो ना देखा उसे। अरे मम्मी जी आपने बाहर से दरवाजा बंद रखा था और अभी खोला तो उसके बाद ही जावेगी ना, और आपका ध्यान तो फोन पे था इसलिए आपने देखा नहीं होगा। दुर्गा वहाँ से निकली है तो उसको यहाँ पहुँचने में थोड़ा समय लग जाएगा, पूजा शुरू करा लेनी चाहिए। भाई साहब। हाँ जी हाँ जी। दुर्गा तो निकल गई, रास्ता में होगी शायद। अच्छा अच्छा जी। हाँ हाँ मैं राखू सु। अच्छा राम राम। चल सब पढ़ाई करो हैं। सर जी बस तैयार, आपका इंतजार। चलिए। नहीं बाजी तुम जाओ, सोच रहा हूँ कुछ दिन में खेलूँ और उस लड़की को लूँ। जी दुर्गा में टैलेंट है और ऐसे टैलेंट को खोया नहीं जाता। जी चाहे मुझे कितना भी वक्त क्यों ना लगे मैं उसे उसकी मंजिल तक जरूर पहुँचाऊँगा। भाई साहब, भाई साहब, ये एड्रेस किससे? उधर एक ना दरारी आंटी का घर से, उनका बेटा भी उनके साथ ही रह वैसे, उसका नाम सर ऋषि। छोरी ये तू कहाँ आ गई? वो तो उस तरफ से। बोलो गौरी पुत्र गणेश की जय, गणपति भगवान की जय। जाओ हनुमान जी कोई इशारा तो दो ना दे रहे, किसी और काम में लग गए के कि जाऊं मैं आपका नाम लेके इस तरफ बढ़ती सु। मदद हनुमान जी मदद। लड़का लड़की दोनों हाथ आगे करें। की रस्म से पहले बाबू को सब कुछ बताना ही होगा। दोनों एक दूसरे का मुंह मीठा कीजिए।
लड़की की बेवकूफ है वो लड़की अमृता, सही कह रहा भाई, दादी के सपने दिखा के सही नचा रहा है उसको। अरे उनको तो पता ही नहीं चलेगा अपने भाई ने और उसकी माँ ने एक गेम प्लान कर रखा है। पूरी बाण बिहाने की रसम पूरी। भगवान करे कि मैं जो सोच रही हूँ वो गलत हो। उस दिन वो छोरे किसी और की बात कर रहे हो, पर बात मारी जीजी की जिंदगी किस है जो मैंने कुछ देर पहले सुना वो पापा ने बता ही देती सु। जी ने जब मन ने कहा ना इन्हीं पंडित जी से का सारा काम कराना है, तभी मैं समझ गया था कि ये पंडित जी कोई चीज है। पापा वो, अरे तू आ गई, भगवान का लाख लाख शुक्र है। कहाँ अटक गई थी तू, पता कितनी टेंशन ले रहा था मैं। मजकड़ मस्त कर। नमस्ते 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 बेटा दुर्गा, कैसी है तू, ठीक ठाक है? हाँ। बेटा तेरी पढ़ाई कैसी हुई, तने कोई मस्ती वस्ती तो ना की ना? हाँ पापा, मैंने आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। आज अभी जब मैं आ रही थी ना, तब मैंने ना वो देखा। अरे अंकल जी, आपकी बेटी का बाण बिहाना से, और आपने मुंह मीठा ना किया, ये लीजिए। अरे नहीं बेटा, मैंने किया मैंने। पर आपका मुंह तो खाली से, शगुन वाला दिन है, मुंह चलाते रहिए, ये लीजिए मुंह मीठा कीजिए। अच्छा ले लेता हूँ बाबा, लेकिन अरे ये कौन है, कितनी क्यूट सी बच्ची से। ये अमृता की छोटी बहन से। अच्छा दुर्गा। अरे पापा। और मैं तेरे जीजा के दोस्त हूँ और तू छोटू बहन, तेरी दीदी की शादी है और तू कुछ खाना नहीं है, ये ले और खा। रे पूजा, चूल्हा नहीं जल रहा, सिलेंडर खाली हो गया के? अरे मैं आ रही हूँ, वो लाइटर खराब हो गया है, मैं आती हूँ। अच्छा अच्छा, अरे पंडित जी आपकी बेटी तो बड़ी होशियार है। अजी दुर्गा, एक तो पहले ही लेट आई है और अब यहाँ खड़ी है, तूने सारे रस्में मिस कर दिए। चल तेरे को कुछ दिखाना, चल। अरे चल दुर्गा, चल चल बाबू देखे बोलो। खेल ले जा, आजो जी आजो, शर्माओ मत। अब यो मेरा कमरा सर, अब तक की जिंदगी मैंने अकेले नहीं बिताई है यहाँ पे, और शादी के बाद पूरी जिंदगी बितानी है आपके साथ। दुर्गा ये होगा हमारा दीदी का कमरा। अरे आओ हमारी गुड़िया रानी जी, मैंने आपसे एक शिकायत है। इतना इंतजार कराने के बाद भी आप नहीं आई, क्यों? इतनी ज्यादा जरूरी हो कि आपकी पढ़ाई? बोलो हमारी प्यारी सी गुड़िया रानी। बहुत प्यारी बच्ची है। आओ दुर्गा तुम भी देख लो अपनी दीदी करो, आजो। ये तो कितने अच्छे से, क्या वो लड़के सच में हमारी अमृता दीदी के बारे में बात कर रहे थे? ऐसे कबाड़ी दोस्त हमारे ऋषि जी जो के कैसे हो सकते थे? अरे
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।